हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। और आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं ऑडिट के अमेंडमेंट के बारे में, टू बी वेरी स्पेसिफिक कंपनी ऑडिट के अमेंडमेंट के बारे में। है अमेंडमेंट। अभी आप सुनोगे ना आपको शर्म आएगी। मई 2019 के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक आधा छुटपुट सा अमेंडमेंट है भाई, छुटपुट सा बिल्कुल। और आप लोग ऐसे परेशान हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। चलिए मैं आपको वो तो कराऊंगा ही, अब मेरी बात सुन लीजिए। ये जो मार्केट में लहर चल रही है कि बहुत सारी अमेंडमेंट आई हैं, हुआ यूँ था कि भाई नवंबर 2018 के लिए बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी, राइट। तो वो नवंबर 2018 वाली अमेंडमेंट वीडियो मैं आपको दे दूंगा, दो वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिएगा। मई 2019 के लिए स्पेसिफिकली अगर आपने नवंबर 2018 तक की पढ़ाई अच्छे से करी थी तो आप सिर्फ ये मई 2019 वाली जो है वीडियो देखिए और काम चला लीजिए। अगर नवंबर 2018 की अमेंडमेंट्स आपको नहीं पता तो इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के साथ जो है नवंबर 2018 की वीडियोस अटैच कर दूंगा और वो बहुत प्यार से कवर हो जाएंगी। अभी हम लोग एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट करने जा रहे हैं कंपनी ऑडिट की, और ये देखिए सर वो क्या है। ये है सर आपका कंपनी ऑडिट का सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जिसमें होता है सर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, और वो होता है किसका, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, राइट। आप जरा पहले तो लॉ की तरह इसको पढ़ के देखें, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है, और उसके बाद लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अगर आप मेरे साथ लॉ पढ़े हैं या किसी भी तरह से आप मेरे साथ सर लॉ या टैक्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, पहले आता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फिर आता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, चलता रहता है। सो प्रोवाइडेड दैट कैसे गायब है, सीधे प्रोवाइडेड फर्दर दैट कैसे है। मित्रों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मित्रों, पहले यहाँ पे एक प्रोवाइडेड दैट भी होता था, अब उस प्रोवाइडेड दैट को रिमूव कर दिया है, और वो होता था रेटिफिकेशन के लिए। ये रहा भाई वो प्रोवाइडेड दैट, ये देखिए पहले आपके सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के नीचे लिखा होता था प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शैल प्लेस द मैटर रिलेटिंग टू सच अपॉइंटमेंट फॉर रेटिफिकेशन बाय मेंबर्स एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। तो सर जी कहा जाता था कि भाई कंपनी को क्या करना चाहिए, ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ रेटिफिकेशन अपॉइंटमेंट जो मैटर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट फॉर रेटिफिकेशन बाय मेंबर्स एट एवरी जनरल मीटिंग उनके सामने रखना चाहिए। हर मेंबर के पास हक होगा कि सर वो रेटिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर सके, राइट। एक बार फिर से, प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल प्लेस द मैटर रिलेटिंग टू सच अपॉइंटमेंट फॉर रेटिफिकेशन, जो अपॉइंटमेंट हो रही है आपकी सबसिक्वेंट ऑडिटर की, दैट अपॉइंटमेंट मैटर शैल बी प्लेस्ड फॉर रेटिफिकेशन बाय मेंबर्स एट एवरी एजीएम। हर साल इसके दो पहलू हैं, इस पर जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। बट पता नहीं बोलूँ या ना बोलूँ यार, मैं देखता हूँ कि जो टीचर्स हैं वो सिर्फ उसको ऐसे पढ़ा दिया कि हाँ भाई प्रोविजो हट गया, क्यों हटा, नहीं नहीं क्यों हटा, क्या इम्प्लीकेशन है इसके, ये पढ़ाना भी तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। लेकिन इस मुद्दे पर जो है ना कोई बात करके राजी नहीं है भाई, सो हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छी लगे बुरी लगे भाई बस सुन लेना, ये प्रोविजो जो है एज अ टूल यूज़ किया जाता था ऑडिटर को रिमूव करने का। अगर आप देखेंगे ऑडिटर का रिमूवल इतना आसान नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। लेकिन सोचो अगर सर रेटिफिकेशन ही नहीं हुआ तो ऑडिटर तो गया, कैजुअल वैकेंसी होगी, 139(8) लगेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर फिल कर देंगे। क्या कमाल है सर, एक तरफ तो बोले थे कि सर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस स्ट्रांग हो इसलिए सर ऑडिटर को रिमूव करना जो है मुश्किल बनाना चाहिए, और दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या किया कि सर एक सिंपल रेटिफिकेशन ना होने के कारण ऑडिटर को हटवा दिया। इंप्लीकेशन इसके ये भी देखे जा रहे हैं कई जगह, इवन इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के इस प्रोविजन के बारे में चर्चा की जा रही है कि भाई इंडिया ने ये रेटिफिकेशन हटा दिया, यानी कि अब शेयर होल्डर्स की से नहीं है ऑडिटर्स को लेके। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, ऐसा भी देखा जा रहा है कि ऑडिटर्स आर नॉट अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स नाउ, कुछ कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। एनीवेज, मैंने आपको दोनों एंगल बताने की कोशिश करी। मुद्दे की बात पे आते हैं सर, जैसा कि सब टीचर ने बताया भाई प्रोविजो जो हट चुका है, अब रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए सर जो इसका लेवल है वो है सुपर इंपॉर्टेंट, दोनों हाथ हवा में लहरा लीजिए, आएगा, राइट। सो इसको कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये है गाइज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कंपनी ऑडिट की, राइट। और कुछ छुटपुट अमेंडमेंट, जैसे कि ऑडिट कमेटी की बात करूँ, ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी जो है वो चेंज कर दी गई। पहले ऑडिट कमेटी होता था पब्लिक, पहले था लिस्टेड कंपनी शेयर, अब हो गया पब्लिक लिस्टेड कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लिस्टेड जो है कराई जा सकती है, राइट। इसलिए वहाँ पे बोल दिया गया कि भाई पब्लिक लिस्टेड कंपनी,
ऐसी एक छोटी मोटी अमेंडमेंट है और ऑडिट कमेटी एक बार आप पढ़ लीजिएगा सेक्शन 177 उसकी एप्लीकेशन, बस दैट्स इट। उसके शायद फंक्शन में एक आध छोटी मोटी सी अमेंडमेंट है, समय रहते वो मैं आपको कवर करा दूंगा, बट वो इतनी ज़रूरी नहीं। ये अमेंडमेंट सबसे ज़रूरी थी और जिन अमेंडमेंट्स को लेकर आपने हाइतौबा मचा रखी है वो अमेंडमेंट सर मैं आपके साथ इसी वीडियो के बाद तुरंत लगा रहा हूँ, दो वीडियोस लगाऊंगा दो पार्ट में, और वो देखिएगा और आपके सारी अमेंडमेंट्स आपको एक जगह पर लगी हुई मिल जाएंगी, राइट। चिल्ला चिल्ली मत करिए। और आपको क्या लगता है और कौन सी अमेंडमेंट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे जान सकूं भाई और आप तक पहुंचा सकूं। कंपनी ऑडिट में यही, अब एक ऐसे 299 है वो भी आपको बता देंगे, बढ़िया सा, ठीक है ना। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, और ये आगे वाली वीडियो देखिए, इन्जॉय कीजिए, और बस यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सबके साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो रिमूव्ड। CA is one of the best career options, लेकिन उससे पहला एक स्टेप है CA exams clear करना। CA exams clear करने के लिए आपको चाहिए सही गाइडेंस और सही mentorship। हम इस YouTube चैनल के थ्रू और अपनी ऑनलाइन क्लासेस, MCQs, टेस्ट सीरीज और बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू पूरी कोशिश करते हैं आपको सही गाइडेंस और सही mentorship देने की। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कोर्सेज के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.caconnect.in और हमारी ऐप डाउनलोड करें edu91। CA फ्रेटर्निटी हमें जानती है हमारी बेस्ट क्वालिटी क्लासेस के लिए, लो फीस के लिए, MCQs के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए और हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, खासकर अगर आपके जूनियर सीनियर फैमिली में आसपास कोई भी CA कर रहा है तो ज़रूर उसके साथ शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए CA कोर्स रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। हमारे कम्युनिटी सेक्शन को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें मिलेंगे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। आज हम जिस मुद्दे बात करने वाले हैं सर, वो आपके एग्ज़ाम्स नवंबर 2018 के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आप ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑडिटिंग का। CA फाइनल वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बट आई विल प्रेफर के सर वो उसके बाद थोड़ी और अपनी इन डेप्थ स्टडी भी करें। CA इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए सर ये वीडियो 100% एकदम मुकम्मल है और उनको तो सर ये ज़रूर 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 जो है वो देखनी ही चाहिए, राइट। हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं सर वीडियो में, हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2018 फॉर योर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर CA इंटर IPCC ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स सारे कोर्स। आ जाओ ज़रा, राइट। वीडियो शुरू करने से पहले दो चार बातचीत आप लोगों से, खास खास बातचीत तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ए, आप सबसे पहले फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लग रही हैं सर आपको हमारी ऑडिटिंग की क्लासेस, ऑडिटिंग में अभी तक आपने जो सीखा वो आपको कैसा लगा, मुझसे सीखा, मेरी वीडियो से सीखा, ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में मैं चाहूँगा कि मुझे फीडबैक मिले मेरे ऑडिटिंग के लेक्चर्स का, ऑडिटिंग की क्लासेस का। बी, आप लोगों को सर ऑडिटिंग की कुछ मैं आपको खास चीज़ बता रहा हूँ, ऑडिटिंग के मेरे कंप्लीट नोट्स प्लस कंपनी ऑडिट का वीडियो क्वेश्चन बैंक, कंपनी ऑडिट का वीडियो क्वेश्चन बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो मेरी बुक है, जो मेरे वीडियो क्वेश्चन बैंक है, EDU91 ऐप के ऊपर जाइए 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 ले लीजिए भाइयों। और साथ ही साथ में मुझे आप लोग एक पोल मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बताइएगा कैसी हो रही है आप लोगों की तैयारी और आप एज अ स्टूडेंट मुझे कितने मार्क्स देना चाहेंगे। आज आपको मौका दे रहा हूँ मुझे मार्क्स देने का, सो मैं ऊपर आपके लिए पोल में 4-5 ऑप्शंस रखूँगा, आपसे उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने स्टार्स जो हैं आप मुझे देना चाहेंगे। हम कुछ ऐसे रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो देखेंगे कितने स्टार्स सर मुझे मिलते हैं आज, राइट। सो इट इज़ गोइंग टू बी माई टेस्ट गाइज, आई होप मैं पास हो जाऊँगा अगर मेहनत करके आया हूँ तो, राइट। सो ज़रूर 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 सारे काम करिएगा, फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ऑडिटिंग के लिए सर मैंने आपके लिए कंपनी ऑडिट की पूरा क्वेश्चन बैंक एक बना रखा है सर, वो देखिएगा। साथ ही साथ में सर मेरी ऑडिटिंग के पूरे नोट्स आप लोग ले सकते हैं हमारी ऐप पे जाके, जिसका नाम है EDU91। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, सेल इज़ ऑन फॉर नवंबर 2018, खासकर जिनके ऑडिटिंग के ग्रुप टू के एग्जाम है उनके लिए सर ऑडिटिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दोनों सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स, आप जाके सर उसे देख सकते हैं और हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं। बहुत स्पेशल प्राइजेस पे ये सब चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा उठाइए, जाके हमारी वेबसाइट caconnect.in और हमारी ऐप edu91 पे। अभी जो आपके ऑडिटिंग और एसएम के कोर्स है वो सिर्फ caconnect.in पे ही अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हैं, पेनड्राइव मोड अभी अवेलेबल नहीं है। सो गो 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 गो। अच्छा जी, अब आ जाते सर अपने मुद्दे पे, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट नंबर वन जो हम कवर करने जा रहे हैं, बढ़िया अमेंडमेंट है सर, सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैंने इसको रखा है, और सेक्शन 141 के अंदर जो है अमेंडमेंट आई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 141 किससे डील करता है। ठीक है, ओके। सो 141 में सब सेक्शन 3 में एक क्लॉज आता है जी, और उसके अंदर सर बात की गई है सीलिंग की। सीलिंग जो दिल्ली में चल रही है वो नहीं भाई, सीलिंग के नंबर ऑफ ऑडिट पे क्या लिमिट है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। राइट, बोलते जाओ मनी मन, बोलते जाओ सर पढ़ाई साथ साथ कर लो, मजा आएगा, ठीक है ना। अब वो उसके अंदर क्या था सर, 20 पर पर्सन थी, एंड कुछ उसके अंदर हमें एग्जेम्पशंस दी गई थी कि सर ये कंपनीज जो हैं वो सर आपकी काउंट नहीं होंगी। किसके अंदर काउंट नहीं होंगी सर, किसके अंदर, आपकी सीलिंग लिमिट के अंदर। और ऑडिटर ने कल ही बल्ले बल्ले बढ़िया हो गया, ये कंपनी काउंट नहीं होगी। ऑल दो ICA की कुछ और लिमिट्स भी हैं, बट हम सर अभी तो कंपनीज एक्ट से अपना जो है वास्ता रखे हुए हैं। अच्छा, अब उस लिमिट के लिए कंडीशन लगा दी गई, उस एग्जेम्पशन के लिए कंडीशन लगा दी गई। बेसिकली आपको एग्जेम्पशन मिली हुई थी कि सर अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको अब हम सीलिंग लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, यानी कि जितने मर्जी ऑडिट कर ले एज पर कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर वो एग्जेम्पशन जो है वो कंडीशन बना दी, बोला गया कि सर जी अगर आपको 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी की एग्जेम्पशन आपको क्लेम करनी है तो तभी हो सकती है सर जब कंपनी रेगुलर है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में और अपनी एनुअल रिटर्न्स फाइल करने में। एक बात सुन लीजिए, 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी के अंदर जो एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं आप लोगों को, सीलिंग में जो चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी वो तभी नहीं करेंगे जब जो है कंपनी जो है रेगुलर है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में अंडर सेक्शन 137 और अपनी एनुअल रिटर्न्स फाइल करने में अंडर सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आई होप गाइज आपको पहली अमेंडमेंट समझ आई। सो अब आपको सर इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, सीए फाइनल वालों के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है, आईपीसी वालों के लिए सर मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए सर मैंने इसे सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ही रखा है कि अब आपको एग्जेम्पशन के लिए भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है अगर आपकी कंपनी है और वो सीलिंग लिमिट में काउंट नहीं होना चाहती है तो सर जी उस कंपनी के जो हैं अकाउंट्स वगैरह रेगुलर फाइल होने चाहिए। देखिए क्या गेम है सर, बात मनवानी है कंपनी से, बात मनवानी है कंपनी से, लात पड़ रही ऑडिटर को। बात समझ आई आपको, बात मनवानी है कंपनी से, लात पड़ रही है ऑडिटर को, एक ऑडिटर तुम्हारी तो सीलिंग में हमसे काउंट कर लेंगे अगर ये कंपनी रेगुलर नहीं है तो। वाह भाई वाह, ओके। सो इसे बोलते सर इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, चेक ऑन डे टू डे ट्रांजैक्शन वेयर बाय वर्क कैरिड ऑन बाय वन पर्सन इज चेक्ड बाय अनदर। ओके, सो सेकंड पॉइंट पे आते सर, सेकंड पॉइंट लेवल मॉडरेट है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है सर आपको इसमें से ट्रू और फॉल्स, सेकंड अमेंडमेंट। राइट, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई को अगर मैं हाथ पे काउंट करूं तो आता है 9। अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो आपको याद आएगी वाइन याद आती है, मेरे क्या खो जाते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, अड़ जा गाड़ी तरफ भाई चलाएगा, पैसे तरफ भाई देगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल खो जाते हैं सर। एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई मतलब 9 मतलब वाइन पीते क्या हो जाते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सो IFC को लेके एक अमेंडमेंट आई है सर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को लेके क्या अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट तो पहले से थी, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन आई और एक अमेंडमेंट भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। क्लैरिफिकेशन ये है कि सर प्राइवेट कंपनीज के केस में IFC की रिपोर्टिंग नहीं होगी, यानी कि 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई की रिपोर्टिंग जो है वो नहीं करनी है। अगर कंपनी कौन सी है, कमॉन प्राइवेट कंपनी, सर्टेन प्राइवेट कंपनीज, अभी इसको डिफाइन करेंगे, सर्टेन प्राइवेट कंपनीज कौन सी हैं उसको डिफाइन करेंगे। और ये कब से मिलेगी आपको एग्जेम्पशन सर, बस आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो एक क्लैरिफिकेशन है कि 1/4/2016 से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उसके बाद से सर आपको एग्जेम्पशन मिलने वाली है। तो आपकी कोई भी रिपोर्ट बनी 1/4/2016 के फाइनेंशियल ईयर के लिए या उसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए और नोटिफिकेशन की डेट के बाद बनी, नोटिफिकेशन डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस नोटिफिकेशन डेट के बाद बनी और सर 1/4/2016 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स बनी तो सर जी आपको जो है अब प्राइवेट कंपनी केस में IFC पे रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई। राइट, अब सर्टेन प्राइवेट कंपनीज का मतलब क्या है सर, ये बहुत ही धारदार हथियार है। सर्टेन प्राइवेट कंपनीज OPC और अ स्मॉल कंपनी,
पहले तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी को हटा दिया जी, ओपीसी के केस में आई पे रिपोर्ट नहीं करनी, स्मॉल कंपनी केस में आई पे रिपोर्ट नहीं करनी, और इनको छोड़ के अगर कोई और प्राइवेट कंपनी है तो उसका टर्नओवर अगर लेस देन 50 करोड़ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और लिखा है दोनों के बीच में, ये दोनों तो हो ही गई, उसके अलावा अगर सर ये हुई टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ एंड बोरिंग, अब यहाँ पे एंड लिखा है, इस एंड को लेके बच्चों बहुत कन्फ्यूजन है, कई टीचर्स ने इसे और पढ़ा दिया है, कोई बात नहीं, वो हो जाता है कभी कभी सर, कोई भी टीचर सर कभी कभी गलत पढ़ा सकता है यार, हर कोई भगवान थोड़ा ना होता है, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इसे और पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ इसे एंड कर लीजिए, प्लीज़, और नहीं है, ये कन्फ्यूजन क्यों हुई मैं आपको बताता हूँ, जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन आई थी तो और ही आया था, फिर MCA ने सर इसको रेक्टिफाई किया और उसको क्लैरिफाई किया कि भाई हमारा मकसद यहाँ पे तो एंड लगाने का है, यहाँ पे और लगाने का था, यहाँ पे और ही लगा है, यहाँ पे एंड लग गया है, यानी कि जो बाकी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए एग्जेम्पशन है या नहीं, उस पर ड्यूअल कंडीशन है, एक तो टर्नओवर एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली पिछले साल का, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात चल रही है, इज लेस देन 50 करोड़, और बोरिंग मतलब, और ये हिंदी वाला और बोला मैंने, यहाँ पे तो एंड आएगा भाई, एंड बोरोइंग उनकी कितनी होनी चाहिए सर, लेस देन 25 करोड़। सो अगर एक प्राइवेट कंपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो सर आपके पास 143 सबसेक्शन 3 और उसके बाद आई का रिपोर्टिंग आपको उस प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं करनी। ओके, एक छोटी सी कंडीशन और है, और छोटी सी कंडीशन क्या है, ये रही वही एग्जेम्पशन वाली बात कि साहब ये एग्जेम्पशन भी उन्हीं प्राइवेट कंपनीज को मिलेंगी जो प्राइवेट कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फाइल करने में रेगुलर है। एक्चुअली में सर जो बेस नोटिफिकेशन थी 400 समथिंग उसका नंबर था, उसमें सर जितनी भी एग्जेम्पशन दी गई प्राइवेट कंपनीज को, सबके साथ सर ये कंडीशन जोड़ दी कि भैया ये जो एग्जेम्पशन मिल रही है ना प्राइवेट कंपनी हो तुमको, ये तुम उछल रहे हो ना हमारे नाम पे, ये भैया तभी उछल सकते हो जब तुम हमारे साथ जो है अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स properly फाइल कर रहे हो, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 properly फाइल कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए कि एक एग्जेम्पशन ने यहाँ पड़ी कि भाई सीलिंग की एग्जेम्पशन लेनी है तो कंडीशन हो गया, और ऐसी सर 143 सबसे आई की एग्जेम्पशन तो दे दी, लेकिन वो भी सर कंडीशनल है, एक तो कंपनीज डिफाइंड है, ऊपर से सर ये कंडीशन लगा दी है। आई होप आपको ये दोनों अमेंडमेंट जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई, बहुत अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, और एक और 143 सेक्शन की ही अमेंडमेंट पढ़ते हैं, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जहां ऑडिटर को कुछ राइट्स दिए गए हैं, राइट टू एक्सेस दिया गया है, राइट टू एक्सेस सर किसका दिया गया है, कंपनी के रिकॉर्ड्स का, और अगर सर वो होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कर रहा है और सर कंसोलिडेशन कंसर्न है तो सब्सिडरी के रिकॉर्ड्स का। अमेंडमेंट ये है कि सर अब वहां पर लिख दिया गया सब्सिडरी एंड एसोसिएट, सब्सिडरी एंड वॉट एसोसिएट, तो सब्सिडरी के रिकॉर्ड का तो सर एक्सेस है ही है, साथ में एसोसिएट के भी रिकॉर्ड्स का एक्सेस का राइट मिल गया है। मित्रों आपको ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि कंसोलिडेशन के समय हमें एसोसिएट्स के भी फिगर्स जो हैं सर लाने पड़ते हैं, और अगर एसोसिएट्स के रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं होगा तो बताइए हम ऑडिट कैसे कर पाएंगे, राइट। सो प्रोवाइडेड दैट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विच इज अ होल्डिंग कंपनी, अगर आप होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर हैं, शैल ऑल्सो हैव द राइट टू एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स सब्सिडरीज, पहले भी था एंड एसोसिएट कंपनीज, एंड एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी का भी राइट है, एसोसिएट्स का भी राइट है, इन सो फार एज इट रिलेट्स टू कंसोलिडेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद दैट ऑफ सब्सिडरीज एंड व्हाट एसोसिएट कंपनीज। तो जहां तक कंसोलिडेशन कंसर्न है सर, राइट टू एक्सेस सर हमारे पास सब्सिडरी की बुक्स का भी है और एसोसिएट की बुक्स का भी है। आई होप आपको तीनों अमेंडमेंट जो है समझ आ गई। सर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें ये चार्ट्स कहाँ से मिलेंगे? बेटा मैंने शुरू में बताया तो EDU 91 नामक एक ऐप है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे, जाइए अभी डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे ये चार्ट पाइए। वहाँ पे मैं एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ सर आज, ऑडिट अमेंडमेंट का, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो ये अमेंडमेंट वीडियो आपको वहाँ भी मिल जाएगी और इसके जो रिलेटेड चार्ट्स हैं वो भी वहाँ मिल जाएंगे, और कुछ बोनस वीडियोज़ भी आने वाली हैं, कुछ वीडियोस हैं सर अमेंडमेंट की जो एक्सक्लूसिवली ऐप पे कवर होने वाली हैं, ठीक है ना। चलो वीडियो को लाइक देते चलो और हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया करो चुपचाप से, इतनी मेहनत करनी पड़ती है तुम लोगों के लिए बैठ के यहाँ पे, पता है, आ जाओ नालायक। ओके अच्छा चलो अमेंडमेंट नंबर 3 भी हो गए सर। अमेंडमेंट नंबर 4 सर, 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई 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 आई, इसमें क्या था सर, इसमें सर बोला गया था कि 144 वाली सर्विसेज अगर दोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है, आई होप यू नो, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मैंने यहाँ पे ओल्ड लॉ न्यू लॉ दोनों लिख दिया। ओल्ड लॉ थोड़ा सा पेचीदा सा था, एनी पर्सन हुज सब्सिडरी
और एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी इज एंगेज, अब इन्होंने बोला नहीं आओ लपेटते हैं, एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बात खत्म, एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस इन सेक्शन, जो सेक्शन कहाँ पे लिखी हुई 144 टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो सर अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेक्शन 144 वाली सर्विसेज किसको देता है, होल्डिंग कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी को, तो भैया आ जाओ डिस्क्वालिफिकेशन लगवा जाओ। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली का सर मतलब जो है यहाँ पे क्लियरली मैंशन है कि सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब आपने 144 की एक्सप्रेशन से उठाया है जो कि वैसे का वैसे ही है जैसा था, राइट। सो बस यहाँ पे सर लैंग्वेज को थोड़ा सा क्लियर करा गया और बोला गया कि सर कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी सर्विस रेंडर कर रहा है अंडर सेक्शन 144 किसको, किसी भी कंपनी को, उसकी होल्डिंग कंपनी को या सब्सिडी कंपनी को, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब आप सर देख सकते हैं सेक्शन 144 में जाके। आइए सर एक और अमेंडमेंट 143 सबसेक्शन 3 आई के रिस्पेक्ट में ही आई है और सर वहाँ पे क्या है, ये बहुत जेन्युइन अमेंडमेंट है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्टिंग करनी साहब, बस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आपने बोल दिया सर। अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में रायता बहुत लंबा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर। ऑडिटर को आप अष्टभुजाधारी समझ रहे हो क्या कि एक हाथ में भाई तलवार, एक हाथ में भाई सब कुछ और, एक हाथ में कुछ और, ऐसे आठ हाथों में उसने आठ हाथ उसके निकले हुए, वैसे 10 हो गए, बट एनीवेज तो सर ऑडिटर को आपने क्या समझा है, तो उन्होंने बोला कि सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर रिपोर्टिंग करनी है विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। आपको पहली क्लास में बात सिखाता हूँ सर, ऑडिट किसी का भी हो सकता है। हम लोग कौन सा ऑडिट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, कम ऑन गाइज, हम लोग कौन सा ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, ओके। सो हमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल भी जो रिपोर्टिंग करनी है वो भी होगी विद रिस्पेक्ट टू ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। अब हमें सर वहाँ बिठा के अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट कराने में लग गए, ऑल दो हमें EIS में पढ़ाया गया है भैया इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट भी, बट फिर भी भैया हम अपने जो मेन ऑडिट है कंपनी लॉ वाला ऑडिट है वो तो सर हमारा सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, हम तो उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए सर एक और खास अमेंडमेंट है ये, अच्छे से पढ़िएगा, ओल्ड लॉ न्यू लॉ दोनों आपके सामने है, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 3, और ऑडिटर को बचाया गया थोड़ा सा यहाँ पे, और ऑडिटर सर अगर रेजिग्नेशन देता है उसे सर सारी चीज़ें जो है बतानी होती हैं और उसके बाद सर उसे स्टेटमेंट्स भी फाइल करनी होती हैं, और अगर वो नहीं करता है तो सर उसके ऊपर लग जाती थी पेनल्टी। ओल्ड लॉ क्या बोलता था, कहता भैया पेनल्टी होगी कितनी, शेल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड अप टू वॉट 5 लाख रुपीज। ओए होए, ऑडिटर की फीस थी 10,000 गुरु, लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी कम से कम कितनी लग जाएगी गुरु, 50,000, यानी कि 5 साल की ऑडिट फीस गई भाई की, 5 साल में जो कमाया था ऑडिटर का दर्द समझो, 5 साल में जो कमाया था वो 143 में गवाया था, 140 सबसेक्शन 3 में गवाया था, बताओ सर। तो गवर्नमेंट ने सर सोचा, दर्द समझा और बोला कि लो जी इफ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद सबसेक्शन 2 ही और इट मतलब फर्म के लिए, ही मतलब इंडिविजुअल के लिए, शैल बी पनिशेबल, लड़कियां नाराज ना हो, ही इंक्लूड शी आल्सो, शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज। सो चेंज का आया आगे तो पढ़ो, और द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस, और द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस, तो सर 50,000 और ऑडिटर की रेमुनरेशन, भैया रेमुनरेशन ही 10,000 थी और आप सब मेरे ऊपर 50,000 क्यों लगा रहे हैं, हाँ विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख, कितना बड़ा जुल्म है सर वो देखेंगे, लेकिन हाँ 5 लाख तक सर वो जा सकती है, लेकिन जो मिनिमम पेनल्टी है ना सर वो आपकी चेंज कर दी, वो आपकी क्या बोली, कम ऑन गाइस टेल मी जल्दी से बता दो, 50,000 रुपीज और द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज, हाँ जी विच एवर इज लेस, एंड यस इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू रुपीज, कितना, कम ऑन गाइस, कम ऑन टेल मी, 5 लाख, वो सेम है, बस एक बात याद रखिए कि मिनिमम रेमुनरेशन जो थी सर वो बदल दी, और वो बदल के कितनी कर दी बच्चों, 50,000 और the remuneration, whichever is less. 147 में भी सर चेंजेस हैं, सेक्शन 147 जो पेनल्टी से डील करता है वो भी हम लोग देखेंगे सर। ये चार्ट्स आपको कैसे लगे मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए सर, क्लासेस का, वीडियोस का, चैनल का, पोल में सर पोल करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो जाके, शुरुआत में मैंने पोल लगाया था, और ये सारी चीज़ों में सर साथ दीजिए ना, तभी तो मज़ा आएगा ना काम करने का, राइट गाइज। चलो गाइज बाकी अमेंडमेंट आ जाओ मेरे साथ, EDU 91 पे अपलोड करनी है सर मुझे अभी, चार्ट्स ही वाले आपको EDU 91 पे जरूर 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 मिल जाएंगे। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। चैनल को अभी तक आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पापियो कर लो सब्सक्राइब, 5 लाख हो जाएंगे सब्सक्राइबर, है ना, ठीक है ना। चलिए सर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।
आई होप गाइज आप लोगों ने अमेंडमेंट की वीडियो को एंजॉय किया, और सर बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है कि भाइयों एक तो फीडबैक ज़रूर दे जाना जल्दी से कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो रुक जाए तब, क्योंकि सर लाइव सेशन था इसलिए सर फीडबैक आपने अभी तो दिया नहीं होगा, चैट बॉक्स ऑफ था। और इसके बाद बस आपने सर क्या करना है, एडियो 91 पे सारी जो है चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है, चार्ट्स मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए, आप अभी जाके चेकआउट कर सकते हैं सर ऐप में, और साथ ही साथ में CAConnect.in एक बार विजिट कर लीजिएगा, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। राइट गाइज, आई होप यू एंजॉयड इट, एंड आने वाले समय में सर और मैं ऐसे लाइव सेशंस करूंगा, एंड बस ऐसे जुड़े रहिए यार। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट वंस अगेन, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू। चलो भाई जाओ पढ़ लो अब। के रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड पांडे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस, और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ऑडिट के अमेंडमेंट पार्ट 2 के बारे में, और आपसे बहुत एंजॉय करेंगे, पक्की बात है। छोटी सी अमेंडमेंट है सर, इसी के साथ से हमारे ऑडिट की जो अमेंडमेंट्स हैं सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा सर कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कल आप लोगों ने सर अमेंडमेंट की एक वीडियो देखी थी, मुझे उम्मीद है कि सर आपने देखी होगी, जिसमें सर काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हमने कवर करी थी। सेक्शन 140 के ऊपर हमने बातचीत करी थी, 143 के ऊपर हमने बातचीत करी थी। आज हमारा मेजर टारगेट रहेगा सर 147, और ये सेक्शन किससे डील करता है, आई होप आप सबको पता है, ये सेक्शन मेजरली पेनल्टीज से डील करता है। और सर पेनल्टीज में क्या बदलाव आया है मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ इस चार्ट की मदद से। ये चार्ट कहाँ मिल जाएगा, आई होप आप लोगों को पता है कि सर ये जो चार्ट है आप लोगों को अवेलेबल रहने वाला है कहाँ पे, EDU 91 जो हमारी ऐप है वहाँ पे। तो जाइए इसे डाउनलोड कर लीजिए, और सर ये दोनों वीडियोज़ अगर अमेंडमेंट की आप देखना चाहते हो तो वहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर में लगी हुई है, वो कोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट, अच्छा जी, तो अब हम लोग सर बात करते हैं अमेंडमेंट क्या ही है। सेक्शन 147 से पूरा हिला के रख दिया इन लोगों ने, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको समझना है और हम लोग एग्जाम में करना पाए। इंपॉर्टेंस की गाइस अगर आप लोग बात करते हैं सर, इंपॉर्टेंस जो है इसकी है 5 स्टार। मुझे ऐसा लगता है कि सर 90% चांस है, और फिर बोल रहा हूं अगर किसी ने एग्जाम के बाद आके बोला ना सर ये देखो आपने बोला था और नहीं आया, भाई सब लड़ाई हो जाएगी तुम्हारे बिरे, सही बता रहा हूं मैं। अब मैं कह रहा हूँ भाई 90% चांस है, 90% 100% श्योरिटी सर कोई नहीं दे सकता, लेकिन 90% चांस है कि इसमें से आपको सर एक आधा क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में ज़रूर 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 मिलना चाहिए, या आपसे इन जनरल भी सर इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ इस बात को माइंड में रखिए कि सर ये हम छोड़ेंगे नहीं, करके जाएंगे अच्छे तरीके से। तो 147 बेसिकली पेनल्टी से डील करता था जो सर कंपनी और ऑडिटर्स के ऊपर लगती थी। ऑडिटर्स वाली पेनल्टी में जो है सर काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं इन्होंने, बहुत ही बढ़िया चेंजेस हैं। कल मैंने एक बेस डिस्कस भी किया था कि सर ऑडिटर के ऊपर इतनी पेनल्टी मत लगाओ कि उस बेचारे की 10-15 साल की ऑडिट फीस ही पेनल्टी के रूप में चली जाए। तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए 147 सबसेक्शन 2 में जहाँ पे था सर के अगर ऑडिटर कोई भी प्रोविजन जो है कंट्रोवीन करता है अंडर सेक्शन 139, 143, 144, 145, तो सर ऑडिटर को जो है फाइन लगाते थे, और वो फाइन कितना होता था, मिनिमम 50,000 रुपये होता था, विच विल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपी अब और 4 times द रेमुनेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। तो यहाँ ये जो अमेंडमेंट है, ये पोर्शन है जो गाइज ये है अमेंडमेंट का, जिसको अब मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। ये पोर्शन है सर जी अमेंडमेंट का कि मैक्सिमम लिमिट दे दी गई कि आपके ऊपर 139, 143, 144, 145 कॉन्ट्राविन करने के लिए जो 50,000 5 लाख वाला आपके पास फाइन था, अब सर जो है जो वो अमाउंट है सर उसको हमने जो है लॉक कर दिया है, और वो 4 times द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर से ऊपर जो है नहीं जा सकता है। राइट, तो सही है भाई, ऑडिटर की जितनी रेमुनरेशन है ठीक है उससे 4 गुना आप लोग पेनल्टी लगा दो उसके ऊपर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ओके, अब वहीं उसी पॉइंट में 147 सबसेक्शन 2 के अंदर एक प्रोविजो दे रखा है, प्रोविजो प्रोविजो जो भी आप कहना चाहते हैं, ये आपको पहले से आपने पढ़ा हुआ होगा, उसकी भी पेनल्टी के अंदर चेंज है। जहां फ्रॉडलेंट मैनर में बिहेव किया ऑडिटर ने, विलफुल डिफॉल्ट किया ऑडिटर ने, वहां पे सर ये जो अमाउंट है 50,000 बट विच में एक्सटेंड अप टू 25 लाख रुपीज, और 8 times द रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। सो अगर ऑडिटर से सर कॉन्ट्रवीन हो गया, गलती से कॉन्ट्रवीन हो गया, तो सर जी आ जाओ 4 times तक आपको लगेगी, और अगर सर विलफुली किया है तो 8 times तक जा सकती है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यही है कि सर ये जो है ये अमेंडमेंट्स क्यों की गई है, इसलिए की गई है कि भाई ऑडिटर के ऊपर इतना फाइन लग जाए कि वो बेचारा सालों साल की ऑडिट फीस अपनी खो दे।
राइट तो इसलिए 4 times और 8 times को भी सर एक जो है बेंचमार्क बना दिया गया कि ठीक है 50,000 एक्सटेंड यहाँ तक हो सकता है, लेकिन याद रखिए कंपेयर करेंगे 8 times से विच एवर इज लेस, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे 4 times से विच एवर इज लेस। ओके देन गाइज 147 सबसेक्शन 3, यहाँ पे सर एक छोटी सी अमेंडमेंट कि भाई ऑडिटर सर अगर ऑडिटर को सबसेक्शन 2 में पकड़ा गया यानी कि उसने गड़बड़ करी तो वो रिफंड तो करेगा ही रेमुनरेशन, साथ ही साथ में डैमेजेस पे करेगा। अब डैमेजेस किस किस को पे करता था पहले, वो पे करता था कंपनी को, स्टैचुटरी बॉडीज को और अथॉरिटीज़ को। अब यहाँ पे सर डाल दिए गए और टू मेंबर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी जिन्होंने उसकी स्टेटमेंट पे रिलाई किया और सर उन्होंने उसकी वजह से नुकसान खाया, और अब सर उन मेंबर्स और क्रेडिटर्स को भी जो है कॉम्पनसेशन जो है मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल सर काफ़ी लॉजिकल है ये पॉइंट सर, आपसे ट्रू फॉल्स में अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि सर मेंबर्स को भी देना पड़ेगा और क्रेडिटर्स को भी देना पड़ेगा। दिस इज द अमेंडमेंट पोर्शन, लेट मी मार्क इट वंस अगेन कहाँ पे आई अमेंडमेंट, ये देखिए बोल्ड और अंडरलाइन वाला जो पोर्शन है इस पूरे चार्ट में वो अमेंडेड है। ओके बाकी सारी बातें वैसे की वैसे पुरानी ही हैं। तो पहले वो सिर्फ डैमेजेस किसको पे करता था, कंपनी को, स्टैचुटरी बॉडीज को, अथॉरिटीज को, लेकिन अब सर उसे डैमेजेस और किसको पे करने पड़ेंगे, मेंबर्स को, मेंबर्स आई होप आप लोग समझते हैं, और साथ ही साथ में किसको, क्रेडिटर्स को। ओके फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट और मिसलीडिंग पर्टिकुलर मेड इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, तो सर जो भी उसने गलत चीज़ें लिखी ऑडिट रिपोर्ट में उसकी वजह से जो लॉस हुआ अब वो ऑडिटर को बियर करना पड़ेगा और सर इन सब लोगों को जो है डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। 147 सबसेक्शन 5, मित्रों क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, बात हो रही है ऑडिट फर्म के बारे में जहाँ सर ऑडिट फर्म इन्वॉल्व थी और पार्टनर या फिर पार्टनर्स फ्रॉडलेंट मैनर में बिहेव कर रहे थे, वहाँ पे अगर जेल जाने की बात आएगी तो सारे पार्टनर नहीं जाएंगे, वही पार्टनर या पार्टनर्स जाएंगे जिन्होंने सर जो फ्रॉड के हिस्सेदार थे, जिन्होंने सर फ्रॉड में पार्टिसिपेट किया, जिनकी वजह से सर फ्रॉड हुआ। राइट फिर से बोलता हूँ, अगर ऑडिटिंग जो ऑडिटर है वो ऑडिट फर्म थी और वहाँ पे फ्रॉड किया ऑडिट फर्म के कुछ पार्टनर ने, पार्टनर्स ने या किसी एक पार्टनर ने, तो जब जेल जाने की बारी आएगी यानी जो क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी, इम्प्रिजनमेंट की बात आएगी, मैं यहाँ ये नहीं पढ़ा रहा कि इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी क्या होगी, वो सब पुराना का पुराना ही है, बस यहाँ पे एक ये क्लैरिफिकेशन है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिट फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी अदर देन फाइन, फाइन तो पूरी फर्म पे लगेगा, अदर देन फाइन द कंसर्न पार्टनर और पार्टनर्स, कौन द कंसर्न पार्टनर्स और पार्टनर्स हु एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर और अबेटेड और एज द केस में बी कॉल्यूडेड इन अ फ्रॉड शैल ओनली बी लाइबल। सो हु विल बी लाइबल, सर वो पार्टनर्स, वो लोग, वो पापी जिन्होंने एक्चुअली फ्रॉड किया या फ्रॉड करने में किसी की मदद करी, वही लोग हैं सर जो जेल जाएंगे एज पर सेक्शन 147 सबसेक्शन 5। राइट तो ये थी सर कौन से सेक्शन की अमेंडमेंट, जल्दी से बुझाओ मुझे, सेक्शन 147 की। आई होप आप लोगों ने सर इसे एंजॉय किया, चार्ट सर आप लोग अगर ले लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा पढ़ना, तो प्लीज़ जाइए और ऑडिट के सर ये कंप्लीट चार्ट्स और वीडियोस जो हैं आप देख सकते हैं हमारे ऐप पे EDU 91, और वहाँ पे सर जाके आप लोग एंजॉय कीजिए सर स्टडीज़ को, ठीक है। और ऑडिट का एक मॉक टेस्ट भी आ रहा है, यस ऑडिट का एक मॉक टेस्ट भी आ रहा है 6 तारीख को, पूरा 100 नंबर का पेपर है सर आप लोगों के लिए, काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिसमें आपको सर एक खास बात क्या मिलेगी, 200+ उसके अंदर ट्रू फॉल्स हैं विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ आपने सही सुना, तो एक तो फुल फ्लैश 100 नंबर का पेपर होगा ही होगा, और बोनस ये है कि सर 200 आपको ट्रू और फॉल्स मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जिन्हें सर आप कर पाएंगे, देख पाएंगे, और आपको वहाँ पे ऑटो मार्क्स भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे हर ट्रू फॉल्स का एक मार्क्स होगा और सर आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स भी जो है वहाँ पे अलॉट करेंगे। राइट सो एंजॉय कीजिए सर सारी फैसिलिटीज़ को और बस जुड़े रहिए साथ में। राइट गाइज थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।